विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से महाविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, उनका फॉर्म या तो अपने आप ही ऑनलाइन सत्यापित हो जाएगा, या यदि नहीं भी होता है तो वो ऑनलाइन रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट पर या महाविद्यालय की आईडी पर उसका फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन महाविद्यालय में संबंधित अधिकारियों द्वारा कर दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि होती है तो महाविद्यालय के द्वारा या महाविद्यालय से प्रवेश प्रभारी द्वारा संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी कि वो अपनी त्रुटि सुधार करवा करके महाविद्यालय में या शासकीय किसी भी महाविद्यालय में जाकर के ऑनलाइन सत्यापन करवा ले। इसके अलावा इस प्रवेश प्रक्रिया में अभी वर्तमान में प्रथम चरण प्रारंभ है और प्रथम चरण में स्नातक स्तर पर दिनांक 1 अगस्त से इसको 14 अगस्त तक का समय दिया गया है, यानी 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक विद्यार्थी के फॉर्म का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है। स्नातकोत्तर स्तर पर 2 अगस्त से 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन डेट और 2 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक की वेरिफिकेशन की डेट रखी गई थी। प्रथम चरण की सीट आवंटन स्नातक स्तर पर 20 तारीख को किया जाएगा और विद्यार्थी 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक अपना आवंटन निकाल करके ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करेंगे। जब तक विद्यार्थी प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करेगा तब तक उसका प्रवेश सुनिश्चित नहीं माना जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर की हम बात करें तो स्नातकोत्तर स्तर पर 15 तारीख को आवंटन सूची का प्रकाशन किया जाएगा, विद्यार्थियों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। विद्यार्थी 15 तारीख से लगा करके 19 तारीख तक फिर प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है और अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण जो आरंभ होगा वो होगा 28/8 से, यानी स्नातक स्तर पर 28/8 से और स्नातकोत्तर स्तर पर 22/8 से।